हेलो क्लास, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लास एंड टुडे इज़ अवर मैथ्स पीरियड. एवरीवन टेक आउट योर बुक न्यू लर्निंग कॉम्पोजाइट मैथमेटिक्स एंड टेक आउट पेज नंबर 54 एंड अवर टुडेज टॉपिक इज सब्ट्रैक्शन यूजिंग द नंबर स्ट्रिप. क्लास, जैसे कि आप सब जानते हो, हमारा चैप्टर 3 अभी चल रहा है जिसमें हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीख रहे हैं. और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सब्ट्रैक्शन यूजिंग द नंबर स्ट्रिप. प्रीवियस क्लास में हमने जो सब्ट्रैक्शन है वो क्रॉसिंग आउट मेथड से सीखा था, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं और हमने उसमें जो नंबर दिया उसको क्रॉस करके और अपना आंसर जो है वो निकाला था. और आज जो हम करेंगे सब्ट्रैक्शन वो किस मेथड से करेंगे, सब्ट्रैक्शन यूजिंग द नंबर स्ट्रिप, यानी नंबर स्ट्रिप या नंबर लाइन की हेल्प से हम सब्ट्रैक्ट चीज़ों को करना सीखेंगे. सब्ट्रैक्शन होता है चीज़ों को कम करना, माइनस करना, लेस करना. और जब भी सब्ट्रैक्ट करते हो तो एक बात हमें याद रखनी है कि बड़े नंबर में से छोटा नंबर ही सब्ट्रैक्ट होता है. सबसे पहले हम अपनी नोटबुक में देखेंगे, मैं आपको नोटबुक में समझाती हूँ. देखो, मैंने यहाँ एक नंबर लाइन नंबर स्ट्रिप बनाई है जिसमें मैंने आपके 20 तक नंबर्स लिखे हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 14 माइनस 8, यानी 14 में से आपको 8 को सब्ट्रैक्ट करना है. आप अपनी नंबर लाइन पे नंबर 14 जो हमारा आगे लिखा है उसे ढूंढेंगे. हेयर इज़ नंबर 14, मिल गया सब बच्चों को नंबर 14. 14 में से हमें कितने नंबर लेस करने हैं, देखो क्लास, 8. जब हम एडिशन करते हैं हमारी काउंटिंग आगे की तरफ बढ़ती है, फॉरवर्ड. लेकिन जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं हमारी काउंटिंग पीछे की तरफ जाती है, बैकवर्ड, यानी लेफ्ट हैंड साइड पर. ठीक है, नंबर कम 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 हो जाते हैं. तो हमें 14 में से कितने नंबर लेस करने हैं, 8. तो आप बोल बोल के करोगे, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा. 8 नंबर हम पीछे ले जाएंगे. देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो क्लास, जब हम 8 नंबर पीछे आए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, जब हम 8 नंबर बैकवर्ड पीछे की तरफ आए, हमने कम कर दिए 14 में से, तो देखो हमारे पास में कौन सा नंबर आया, नंबर 6. तो नंबर 6 इज़ अवर आंसर. ठीक है क्लास, ये हमारा आंसर है. सब हम नंबर लाइन पे इस तरह से माइनस करते हैं, आगे वाले नंबर को हम सर्कल कर देते हैं और जितने नंबर लेस करने हैं, कम करने, उतने नंबर हम, उतने स्टेप्स हम पीछे जाते हैं और जिस नंबर पे पहुँचो वो हमारा आंसर होता है. तो 14 में से जब 8 को माइनस किया तो क्या आंसर आया हमारे पास में, 6. नेक्स्ट सम हम अपनी बुक में से करेंगे, पेज नंबर 54 में से. देखिए, फर्स्ट सम आप यहाँ पर आप अपनी डेट डालेंगे आज की, 22/7/20. और अपने फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट हम देखेंगे, 17 माइनस 6. तो क्लास, अपनी नंबर लाइन में आपको क्या करना है, यूज़ द नंबर स्ट्रिप टू सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग. आपको नंबर स्ट्रिप यूज़ करनी है, इस्तेमाल करनी है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, यानी नीचे लिखे क्वेश्चन को माइनस सब्ट्रैक्ट करने के लिए. तो आप अपनी नंबर लाइन पे नंबर 17 ढूंढेंगे. कहाँ है नंबर 17, ये रहा. कितने नंबर आपको माइनस करने हैं, 6. 6 स्टेप आप पीछे जाओ, 1 2 3 4 5 एंड 6. कितने नंबर्स हम पीछे आ गए, नंबर 6. तो हम किस नंबर पर पहुंच गए हैं क्लास, नंबर 11 पर, राइट. तो आप यही आंसर लिखेंगे, 17 माइनस 6 इज नंबर 11. तो देखो, 17 में से जब हमने 6 माइनस किया है तो हमारे पास क्या आएगा, नंबर 11. ओके क्लास, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है. इसी तरह से आप रिमेनिंग पार्ट अपनी बुक में कंप्लीट करेंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं है. आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, जो नंबर आगे है, जो नंबर ऊपर है, या फिर जो ये वर्टिकली हमारे सम्स हैं, जो नंबर ऊपर है उसको सर्कल करना है, नीचे वाले नंबर जितना भी है उतने स्टेप्स आपको बैकवर्ड पीछे की तरफ जाना है और आपको आपका आंसर ईजीली मिल जाएगा. ओके, अब हम पेज नंबर 55 करेंगे क्लास. अब हम अपनी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे क्लास. प्रॉब्लम बेस्ड ऑन, प्रॉब्लम होती हैं परेशानियाँ, बेस्ड ऑन यानी जो आधारित हैं, ऑन रियल लाइफ, रियल लाइफ यानी हमारी असल ज़िंदगी की सिचुएशन यानी हालात पर, इन्वॉल्विंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. इन्वॉल्विंग यानी जिसमें हमें ऐड करना पड़ता है और सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है. जैसे चलिए मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ. हम सभी लोग शॉप पर अपनी ज़रूरत का सामान लेने जाते हैं ना, तो ठीक है, हम अंकल से कहते हैं कि हमें 1 मिल्क का पैकेट दे दो, 1 ब्रेड का पैकेट दे दो, 1 जैम दे दो, जैम की बॉटल दे दो, 1 बटर दे दो. तो फिर हमने अंकल से टोटल कितने आइटम लिए, मिल्क, ब्रेड, जैम, बटर. तो हमें इन सबको ऐड करना पड़ेगा कि हमने कितने आइटम्स लिए हैं, 1 2 3 4.
हमें काउंट करना पड़ेगा। और अंकल जब आपको 4 चीज़ें देंगे तो सबका अलग अलग प्राइस होता है, सब अलग अलग पैसों की होती हैं, तो अंकल उन सबको आपको ऐड करके देते हैं ना कि अब आपको टोटल इतने पैसे देने हैं। तो ये हमारी रियल लाइफ सिचुएशन हो गई जब हमें एडिशन करना पड़ा, सब्ट्रैक्शन। जैसे कि जब आप शॉप से सामान खरीदते हो तो आप पैसे देते हो ना, मान लो आपने अंकल को 5 रुपीज़ का कॉइन दिया, कितने रुपीज़ का कॉइन दिया, 5, 1, 2, 3, 4, 5, और आपने 2 रुपीज़ की टॉफ़ीज़ खरीद ली, कितने रुपीज़ की टॉफ़ी खरीद ली, 2, 1, 2, तो 5 में से कितने लेस हो गए, 2। अब आपको अंकल कितने पैसे रिटर्न करेंगे, 1, 2 एंड 3, यानी आपको 3 रुपीज़ रिटर्न करेंगे। तो इसमें आपको माइनस करना पड़ा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। तो यही हमारी रियल लाइफ सिचुएशन होती है कि कब हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। तो ये हमें ज़रूर आना चाहिए और अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं अपनी बुक में जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, हम उन्हें सॉल्व करते हैं। लेट स्टार्ट विद द एग्जाम्पल। एक उदाहरण आपको दिया है, सचिन खरीदता है, बाय मतलब खरीदता है, 8 पेंसिल फ्रॉम अ शॉप, एक शॉप से सचिन 8 पेंसिल खरीदता है। हिज मदर यानी उसकी मम्मी बॉट 7 मोर, 7 और, मोर मतलब और, बॉट मतलब खरीदती हैं, पेंसिल्स फ्रॉम हिम यानी उसकी मम्मी ने 7 और पेंसिल खरीदी। सचिन ने अपने लिए 8 पेंसिल खरीदी और उसकी मम्मी ने उसके लिए कितनी खरीदी, 7 मोर यानी 7 और ज़्यादा खरीद ली। हाउ मैनी पेंसिल्स डज ही हैव इन ऑल, हैव इन ऑल यानी अब उसके पास में कितनी पेंसिल हैं अब टोटल मिला के। तो देखो सचिन ने 8 पेंसिल्स खरीदी थी, 8 जो है वो 1 डिजिट नंबर है, इसे हम वंस प्लेस पे लिखेंगे, हमारा डिजिट यहीं से लिखना स्टार्ट होता है, पढ़ने भी यहीं से स्टार्ट होता है, तो हमने यहाँ लिखा 8। हिज मदर बॉट, उसकी मम्मा ने खरीदी 7, तो आप वंस के नीचे ही लिखोगे 7, और इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड। ये देखो ये एडिशन का सम होता है, एडिशन का साइन होता है ना, तो 8 में जब हमने 7 प्लस किया तो हमारे पास में आंसर आया 15। तो जो सचिन, इसका आंसर है सचिन हैज़ 15 पेंसिल्स नाउ, यानी सचिन के पास अब 15 पेंसिल हैं। हमने इन दोनों को ऐड किया तब हमें पता चला सचिन के पास में टोटल कितनी पेंसिल हैं। यानी जब हमें चीज़ों को ऐड करना होता है, जोड़ना होता है, नंबर बढ़ जाते हैं। अब आपको ये प्रैक्टिस करनी है, ऐड और सब्ट्रैक्ट आपको बताना है, यहाँ पे हमें ऐड करना है यानी जमा करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। उसके लिए आपको क्वेश्चन को पढ़ के उसको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। प्रकाश इनवाइटेड 6 गर्ल्स, प्रकाश ने इनवाइटेड यानी आमंत्रित, निमंत्रण दिया 6 गर्ल्स, 6 लड़कियों को एंड 10 बॉयज और 10 लड़कों को टू हिज बर्थडे पार्टी। यानी प्रकाश ने इनवाइट कराया मतलब कि बुलाया, 6 लड़कियों को, 6 गर्ल्स को बुलाया, 10 बॉयज़, 10 लड़कों को बुलाया अपनी बर्थडे पार्टी में। हाउ मैनी चिल्ड्रन डिड ही इन्वाइटेड टू द पार्टी इन ऑल, यानी उसने टोटल कितने चिल्ड्रन यानी बच्चे, कितने बच्चे मिलाए, बुलाए, बॉयज़ और गर्ल्स को मिला के कितने बच्चे उसने अपनी पार्टी में बुलाए, हम कैसे पता लगाएंगे। तो देखो प्रकाश ने कितनी गर्ल्स बुलाई हैं, 6, तो हम 6 को वंस प्लेस पे लिखेंगे, हमेशा यहाँ से लिखना शुरू करते हैं वंस प्लेस पे, 1 डिजिट नंबर है, वंस प्लेस पे लिख दो। कितने बॉयज बुलाए हैं, 10, 10 जो है वो 2 डिजिट का नंबर है, तो एक वंस प्लेस पे, एक टेंस प्लेस पे, ये वंस प्लेस पे 0, टेंस प्लेस पे 1। अब हम इन्हें क्या करेंगे, पार्टी इन ऑल यानी सब बच्चे मिला के कितने बुलाए हैं, तो हमें ये ऐड करके पता चलेगा बच्चों, यहाँ हम ऐड का साइन डालेंगे, ओके, लाइक दिस, और फिर आप इन्हें प्लस करेंगे, 6 में जब हमने 0 ऐड करे, वंस प्लेस को वंस में माइनस, सॉरी प्लस करना है, टेंस को टेंस में ऐड करना है, तो 6 में जब हमने 0 प्लस किया, 0 का क्या मीनिंग होता है, नथिंग, कुछ भी नहीं। जब हमने 6 में कुछ भी प्लस ही नहीं किया तो वही ऊपर वाला नंबर सेम आ जाता है ना, तो 6। अब देखो टेंस प्लेस पे 1 नंबर है, ऊपर कुछ नंबर है प्लस करने के लिए, कुछ भी नहीं है, तो आप सेम की सेम लिख दो। तो 10 एंड 6 को जब हमने प्लस किया तो हमारे पास में आया नंबर 16, तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर 16, ही इन्वाइटेड 16 चिल्ड्रन, उसने 16 चिल्ड्रन, 16 बच्चे अपनी पार्टी में बुलाए। नेक्स्ट सम, देयर वर, यहाँ थे 12 बनानास इन अ बंच, एक बंच, बंच होता है गुच्छा, एक गुच्छे में 12 बनानास थे। जब हम मार्केट से बनाना खरीदते हैं आप देखते हो ना ऐसे बंच में आते हैं वो, तो ठीक है, तो ये बनानास कितने थे एक बंच में, 12। आर्यन एंड हिज फ्रेंड यानी आर्यन ने और उसके दोस्त ने 8 मतलब खा लिए, 8 ऑफ देम, उन 12 बनाना में से उन्होंने 8 बनाना खा लिए, यानी पहले ज़्यादा बनाना थे और उसमें से कुछ बनाना उन्होंने खा लिए। हाउ मैनी बनानास आर लेफ्ट इन द बंच, लेफ्ट होता है बचे, कितने बनाना उसमें बचे, देखो लेफ्ट के दो दो मीनिंग हो गए, एक तो होता है आपका राइट हैंड लेफ्ट हैंड, लेकिन ये लेफ्ट हैंड वाला लेफ्ट नहीं है, इस लेफ्ट का क्या मीनिंग है, बचे, तो उसके पास में अब कितने बनाना बचे।
देखो अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। सबसे पहले कितने बनानास थे ऊपर लिखो, 12। 1 2, टू डिजिट नंबर है, 2 को वंस प्लेस पे लिखो, 1 को टेंस प्लेस पे लिखो। अब उन्होंने कितने खाली बनाना, 8, तो हम इसे टेंस में नहीं वंस में लिखेंगे। हमारी डिजिट यहीं से स्टार्ट होती है ना, राइट हैंड साइड से, वंस टेंस पढ़ा है ना। तो 12 में से उन्होंने 8 बनाना खाली है, मतलब कम हो गए। जब कोई चीज़ आप खा लोगे तो वो कम हो जाएगी ना, तो हम यहाँ माइनस का साइन, सबट्रैक का साइन देखो ऐसे डालेंगे। तो 12 में से आपको 8 को माइनस करना है। तो क्लास देखिए, यहाँ पर आपके पास है नंबर 12, हेयर इज नंबर 12। आपको कितने नंबर्स पीछे जाना है, 8 नंबर। तो आप बोल बोल के करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब हम 12 में से 8 नंबर पीछे की तरफ गए तो हमारे पास में क्या नंबर बचा, नंबर 4। तो इन 12 में से जब 8 बनाना उन्होंने खा लिए तो उनके पास कितने बनानास बचे, अब ओनली 4। 4 बनानास आर लेफ्ट इन अ बंच, यानी बंच में अब 4 बनाना ही बचे हैं। इसी तरह से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना है। देयर आर 15 फ्लावर प्लांट्स इन बलजीत गार्डन, यहाँ पर 15 फ्लावर प्लांट यानी फूलों के पौधे हैं इन बलजीत गार्डन। बलजीत के गार्डन में 15 प्लांट हैं, टोटल 15 फूलों के पौधे हैं। इन द मॉर्निंग, सुबह के समय ही वॉटर्ड, उसने पानी डाला 9 ऑफ देम, सिर्फ 9 प्लांट में पानी डाला। 15 में से कितने प्लांट में पानी डाला, 9। हाउ मैनी प्लांट्स आर लेफ्ट टू बी वॉटर्ड, अब कितने प्लांट बचे हैं लेफ्ट, यानी मैंने बताया था लेफ्ट मीन्स बचे, कितने बचे हैं टू बी वॉटर्ड, जिसमें पानी अभी डालना है। टोटल कितने फ्लावर्स थे, कितने फ्लावर प्लांट थे, 15। 5 को वंस के प्लेस पे, 1 को टेंस के प्लेस पे, 1 5 15। कितने प्लांट में उसने पानी डाल दिया है, 9। आप वंस प्लेस पे लिखोगे 9, वन डिजिट नंबर को हम यही लिखते हैं। माइनस करना है, यानी ज़्यादा प्लांट में से उसने कम प्लांट में पानी डाला है। तो हम 15 में से जब 9 को माइनस करते हैं क्लास, तो हमारे पास में आंसर आता है 6। तो आप लिखोगे 6 प्लांट्स आर लेफ्ट टू बी वॉटर, यानी 6 प्लांट बचे हैं जिसमें पानी डालना है। तो इसी तरह से क्लास आपको ये समझ के सिर्फ बुक में ये काम करना है। आपका आज का वर्क मैं आपको सिर्फ बुक में करने को दे रही हूँ, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस आपको करनी है। बहुत जल्दी आपका टेस्ट होने वाला है, एक असाइनमेंट टेस्ट। जुलाई मंथ में मैंने आपको जो कुछ भी पढ़ाया है किसी भी सब्जेक्ट में, उन सब पे बेस्ड आपको बहुत जल्दी एक टेस्ट मिलने वाला है। तो घर में सब बच्चों को अच्छे से प्रैक्टिस करके ये सम्स कंप्लीट करने हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।